हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि मैंने हाल ही में टाटा की पंच गाड़ी बुक की है, तो किन कारणों से मैंने इस गाड़ी को बुक किया है, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जो भी कारण थे, जो भी मेरे ओपिनियन है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैंने किस कारण से टाटा की ही गाड़ी क्यों बुक की और टाटा की पंच ही बुक क्यों की। इस बजट में तो काफ़ी गाड़ियाँ आती थी, लेकिन सभी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आप देख सकते हो 7 लाख के बजट के अंदर गाड़ियाँ काफ़ी आती हैं। मैंने कार वाले .com को भी ओपन कर रखा है, प्राइस भी इसके अंदर है। जो 7 लाख रुपए के अंदर हैं जो गाड़ियाँ आती हैं, मारुति की स्विफ्ट भी आ रही है जो कि बहुत अच्छी गाड़ी है, रिनोल्ट की किजर भी आ रही है, किगर, लेकिन ये ठीक नहीं है। हुंडई की ग्रांड i10 भी आती है इसके अंदर, टाटा की टीगो भी आ रही है, मारुति सुजुकी वेगनार है, इसकी 6,13,000 प्राइस है। टाटा पंच है, इसका जो बेस मॉडल है 6,63,000 से शुरू जाता है। हुंडई की ओरा है, वो 6,86,000 रुपये से बेस मॉडल शुरू हो जाता है। इसके बाद में टाटा टिगोर भी आ जाती है, इसमें 6,70,000 रुपये की। निसान की मैग्नाइट आ जाती है 6,65,000 रुपये की। और भी गाड़ियां हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। रिनोल्ट क्वीड है, ये भी गाड़ी आती है, रिनोल्ट की ट्राइबर आ जाती है 6,55,000 की। मारुति की सेलेरियो आ जाती है, मारुति सुजुकी की इग्निस आ जाती है, और जो महिंद्रा की KV100 है NXT, वो भी आ जाती है 6,97,000 की। फोर्ड फिगो आती है, और मारुति सुजुकी की एस प्रेसो जो भी हाल ही में लॉन्च होने वाली है। हुंडई की सेंट्रो गाड़ी भी 5,50,000 की आ जाती है, और मारुति सुजुकी एस प्रेसो है, और डटसन की गो प्लस है। तो ये सभी गाड़ियाँ 7 लाख के बजट में आती हैं, लेकिन मैंने टाटा की पंच ही गाड़ी क्यों बुक की। अब मैं जो टाटा गाड़ी है, जो टाटा की जो पंच गाड़ी, उसके लमसम जो प्राइस में जो गाड़ी आती हैं उनके अंदर है, जैसे आपकी स्विफ्ट आ जाती है, डिजायर आ जाती है, और उसके बाद में ओरा भी आती है, तो मैं उनका कंपेयर भी आपको करके दिखाऊंगा कि फीचर्स क्या क्या आते हैं इसके अंदर, और जो टाटा की जो पंच गाड़ी आ रही है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं। सबसे पहले मैं जो टाटा की पंच गाड़ी है उसका जुलाई महीने की प्राइस दिखाता हूँ आपको। तो आप प्राइस देख सकते हैं, इसका जो पंच का जो प्योर मॉडल है, जो कि बेस मॉडल आता है, उसकी एक्स शोरूम है 5,92,900 रुपये। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं इंश्योरेंस 39,613 रुपये, और जो RTO चार्ज है वो है 30,077, यानी कुल मिला के ऑन रोड प्राइस है वो 6,62,589 रुपये है। ये प्राइस वडोदरा की है, और अलग अलग स्टेट में ये कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये इसका बेस मॉडल की प्राइस है। इसके बाद में अगर देखते हैं पंच प्योर रिदम है, वो 6,97,420 रुपये की ऑन रोड पड़ रही है, और जो पंच का एडवेंचर मॉडल है वो 7,46,400 रुपये। तो मैं पंच एडवेंचर तक की ही बात करूँगा, क्योंकि जो मेरा बजट था वो 7 लाख से 7,50,000 रुपये तक का ही था। तो इस बीच गाड़ियाँ हैं, उसमें स्विफ्ट भी आ रही थी इस बजट के अंदर। अगर मैं चाहता तो स्विफ्ट को भी बाई कर सकता था, डिजायर को भी बाई कर सकता था, और जो हुंडई की ओरा आ रही है उस गाड़ी को भी मैं बाई कर सकता था, लेकिन मैंने टाटा की पंच ही बुक की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मारुति की स्विफ्ट है वो गाड़ी काफ़ी दिन से चल रही है, यानी कि बहुत दिन से चल रही है, और जो स्विफ्ट डिजायर है वो भी काफ़ी दिन से चल रही है, और लेकिन जो टाटा की पंच है ये अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, लगभग 8-9 महीने हो गए इसको चले हुए। लेकिन इस गाड़ी के लुक में और स्विफ्ट डिजायर के लुक में काफ़ी अंतर है। ये गाड़ी एक हैवी गाड़ी की तरह लगती है, इसको तो मिनी हैरियर के नाम से भी जानते हैं। और इस गाड़ी के अंदर अगर मैंने ज़्यादा तो नहीं चलाया, लेकिन 60-70 किलोमीटर तक इस गाड़ी को चलाया है मैंने, इससे ड्राइव की है। और कुछ लोग बोलते हैं कि टाटा की पंच जो गाड़ी है इसमें इंजन नॉइस आती है। हाँ बिल्कुल आती है, 3 सिलेंडर इंजन है तो थोड़ी बहुत नॉइज़ तो आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। इस गाड़ी की एक कमी और मैं बता देता हूँ, इस गाड़ी का पिकअप, यानी जो इनिशियल पिकअप होता है, जो अगर आप ये चाहते हो कि मैं एकदम से गाड़ी को मतलब स्पीड पकड़ा लूँ, तो वो इसमें संभव नहीं है। टाटा की पंच में ये कमी है इस गाड़ी के अंदर। 1200 cc का इंजन है, लेकिन इसकी जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर वेट बहुत है, क्योंकि टाटा कंपनी ने लोहा है वो बढ़िया से पूरा लोहा इसमें लगा दिया, मजबूती के साथ बनाया, क्योंकि इसको 5-स्टार रेटिंग भी मिल रखी है। तो इसके अंदर इसलिए इस गाड़ी का जो इंजन है थोड़ा सा लो परफॉर्मेंस करता है, परफॉर्मेंस की इसमें थोड़ी सी कमी रह जाती है। लेकिन ये नहीं है कि
इंजन में जान नहीं है या इंजन बिल्कुल ही वीक है, ऐसा नहीं है। पिकअप नहीं है, इनिशियल पिकअप होता है वो इसके अंदर कम है, लेकिन ये नहीं कि दौड़ती नहीं है, गाड़ी दौड़ती भी है। कहीं भी हाइट है या आप कहीं पहाड़ों में लेके जाते हैं गाड़ी को तो वहाँ पर भी इसका अच्छा परफॉर्मेंस है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक इनिशियल जो शुरुआती पिकअप होता है गाड़ी का वो इसमें नहीं है, उसकी आपको कमी फील होगी। इसके बाद में जो टाटा की पंच गाड़ी है, इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा है, एक एसयूवी गाड़ी है और बहुत अच्छा लुक है इस गाड़ी में। आप इसके अंदर बैठेंगे तो आपको ऐसा फील नहीं हो कि मैं एक छोटी गाड़ी चला रहा हूँ, आपको ऐसा फील होगा कि बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। जैसे आप सफारी मान सकते हो या टाटा की हैरियर गाड़ी है, इस तरीके के मतलब इसमें बहुत ही एक अच्छा फील होता है गाड़ी चलाने का। और इसमें जो गाड़ी की हाइट है और जो गाड़ी का जो सामने का बोनट है, उस जब आप ड्राइवर सीट के ऊपर बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कि मैं एक हैवी गाड़ी एक बड़ी गाड़ी को चला रहा हूँ। एक तो इसमें चलाने की जो स्टेबिलिटी है वो भी इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी है। अगर आप रोड पे इसको भगा रहे हैं तो इसमें बॉडी रोल वगैरह इसमें नहीं है इस गाड़ी के अंदर। इसकी हाइट भी काफ़ी है फिर भी इसमें आपको बॉडी रोल बहुत कम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम स्विफ्ट की। तो इस स्विफ्ट को लेने का मेरा एक ही कारण है था, बजट देखिए आप 6,65,000 में LXi मॉडल मिल रहा है और इसमें प्योर टाटा पंच के अंदर भी 6,63,000 का बेस मॉडल, यानी कि लमसम रेट है वो लगभग एक समान ही है। सबसे पहला कारण तो ये था कि मैंने स्विफ्ट डिजायर क्यों नहीं ली, स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर को क्यों नहीं बाय किया। ये गाड़ियाँ काफ़ी दिन से चल रही थी, यानी कि 10-15 साल से ये गाड़ियाँ चल रही हैं, तो मतलब एक ही तरीके की जो गाड़ियाँ चल रही हैं इनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव, मारुति कंपनी है बदलाव करती रहती है, लेकिन ये गाड़ियाँ थोड़ी सी मेरे को पसंद नहीं आई, इसी कारण से काफ़ी दिन से चल रही हैं। और ये अब टाटा पंच से बिल्कुल नई लॉन्च हुई है और इसके लुक जो मतलब गाड़ी का जो बनावट है उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, मतलब काफ़ी बदलाव है इन गाड़ियों के मुकाबले। फिर सेकंड बात है कि जो स्विफ्ट गाड़ी है और जो डिजायर है इनका जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत कम है। पहले वाली स्विफ्ट में फिर भी ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता था, लेकिन अब वाली गाड़ियों में तो बिल्कुल कम है। कहीं भी ब्रेकर आता है आगे का बम्पर टच हो जाएगा, पीछे का बम्पर टच हो जाएगा, अंडरबॉडी के साइलेंसर वगैरह टच हो जाएंगे, ये होते रहते हैं। तो इस गाड़ी में एक तो ये मेरे को सबसे बड़ी कमी फील हुई। अब टाटा पंच के अंदर इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको बहुत अच्छा खासा मिल जाता, कहीं आपको गाड़ी अगर आप 5 सवारी बैठ भी जाएंगे तब भी ये गाड़ी कहीं टच नहीं होने वाली है, और इसको आप ऑफ रोड में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये डिजायर है, स्विफ्ट है, इसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिसमें ये समस्या है। अगर इंजन वाइज बात करूँ तो स्विफ्ट और जो स्विफ्ट डिजायर का इंजन है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, मारुति का इंजन बहुत बढ़िया आता है। लेकिन टाटा का इंजन है थोड़ा सा, इसमें 3 सिलेंडर इंजन है तो परफॉर्मेंस वगैरह तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इंजन को देख के हम गाड़ी नहीं ले सकते हैं, इंजन की थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस कम भी हो तो चल जाएगा, क्योंकि टाटा के अंदर आप जाओगे तो इसके सेफ्टी फीचर आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और मारुति की जो गाड़ियाँ हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी है वो आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी। ये चीज़ों की आपको कमी फील होगी मारुति गाड़ियों के अंदर। सेकेंड बात अगर मैं आपको बताऊं कि जो मारुति की LXi मॉडल है, अब इनके जो अंदर इंटीरियर का जो आप डैशबोर्ड देखेंगे तो डैशबोर्ड को जरूर इन्होंने अच्छा एक मॉडिफाइड कर दिया है, और जो स्टेयरिंग के अंदर आपको बटन्स भी दे दिए हैं जो म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, वो सब इसके स्टेयरिंग में दे दिए। लेकिन इसके डैशबोर्ड में आज भी वही जो AC के आप स्विच देखेंगे तो वही जैसे कोई रेडियो के स्विच दे रखे हैं, इस तरीके दे रखे हैं। AC कंट्रोल के स्विच हो गए या म्यूजिक सिस्टम के स्विच हो गए, आज भी वो पुराने ज़माने में जो चलते आ रहे थे वही चल रहे हैं। मारुति की जो स्विफ्ट है ये पहले वाली थी उसी तरीके से अभी भी ऐसे चल रही है। लेकिन आप अगर टाटा पंच में जाएंगी वही सेम मॉडल है, सेम प्राइस है, आप इसमें जाइए उसके आप स्विच देखना तो उसमें आपको काफ़ी अंतर लगेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए आप इसकी, मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ मारुति की स्विफ्ट की फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको, आपको कितना अंतर लगेगा। ये इसका इंटीरियर है और मैं आपको इसमें आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ, ये देखिए आप इंटीरियर ये देख सकते हैं आप, इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये देखिए ये स्विच देखो आज भी वही चलते हुए आ रहे हैं जो पहले के ज़माने में चलते, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी शुरू से जब फर्स्ट में चली थी वही स्विच इसमें आज भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। मानता हूँ कि स्टेयरिंग के अंदर आपको ज़रूर स्विच दे दिए गए, लेकिन बाकी देखिए ये वाले, ये देख सकते हो AC के कंट्रोल्स हो गए, सब
वही हैं जो पुराने ज़माने में चलते हुए आ रहे थे, देख सकते हैं आप इसमें ठीक से। अब मैं अगर आपको टाटा की गाड़ी के दिखाता हूँ इंटीरियर, तो मैं भी आपको टाटा की गाड़ी के इंटीरियर दिखाता हूँ, उसमें क्या है। ये मैं इसका बेस मॉडल ओपन कर लेता हूँ, और जो टाटा की गाड़ी है इसका इंटीरियर देखिए आप, इसका देखिए आप, इसमें आपको कहीं भी ऐसे स्विच नहीं दिए गए हैं। देखिए आप, इसमें बिल्कुल जो इलेक्ट्रिक स्विच है वो दिया गया है, आपको बटन्स दिए गए हैं जिनको आपको प्रेस करना है। एसी कम बत एसी का अगर आपको फ्लो कम करना है, ज़्यादा करना है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिक बटन दिए गए हैं। जो बटन दिए गए हैं इसमें वो नहीं है, रेडियो की तरह घुमाने वाले स्विच नहीं दिए गए हैं। तो जो इसका इंटीरियर है एक बहुत ही अच्छा इंटीरियर है, जो कि आप अगर गाड़ी लॉन्ग ड्राइव करेंगे तो आपकी आंखों को ये एक सुहानापन ही देगा। आपको ऐसे नहीं लगे कि यार मैं बोरिंग फील नहीं होगी, आप इस गाड़ी को जब भी चलाएंगे लॉन्ग जर्नी के लिए भी यूज करेंगे तो भी आपको बोरिंग फील नहीं होगी, क्योंकि इसका डैशबोर्ड ही ऐसा दिया गया है। आप देख सकते हैं इसका म्यूजिक सिस्टम का जो डिस्प्ले दी गई है, ये देखिए आप कहाँ पे, मतलब एक अच्छे तरीके से इसकी बनाई गई है। आप एसी के देख सकते हैं, ऐसे इवेंट दे सकते हैं। तो हर चीज़ इसके अंदर जो अब जो चल रही है, लेटेस्ट चल रही है, वो चीज़ें दी गई हैं। जो मारुति ने है वो उसने अभी तक बदलाव नहीं किया, और उसमें वो ही चल रहे हैं जो पहले के ज़माने में जो चलते आ रहे थे। अब हम फीचर्स की बात कर लेते हैं कि इसमें फीचर्स में क्या क्या अंतर दिया गया है। अब इसको फीचर्स के लिए मैं नीचे इसको ओपन कर रखा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसका स्विफ्ट डिजायर का, स्विफ्ट का और पंच का, पंच के मैंने दो मॉडल लिए हैं। पंच का एक मैंने प्योर एमटी लिया है, एडवेंचर एमटी लिया, यानी कि तीसरा नंबर का, नीचे से तीसरा नंबर का मैंने लिया है, तो इसको देख सकते हैं आप। सबसे पहले हम स्विफ्ट का बात कर लेते हैं, तो इसका जो बूट का जो स्पेस दिया गया है वो 268 लीटर दिया गया है। इसके बाद डिजायर का 378 दिया गया है, और जो पंच का है वो 366 लीटर दिया गया है। पंच का मैं एक बार आपको लुक दिखाता हूँ, एक बार आप पंच गाड़ी का एक बार बाहर की इमेज देखिए, इसका बोनट देखिए आप, ये गाड़ी देखिए, मतलब इसका एक अच्छा लुक दिया गया है। देखिए जैसे लगता है कि बहुत बड़ी गाड़ी हो, आप खुद देखिए, देखो गाड़ी का देख सकते हैं आप, गाड़ी का लुक देखिए कितना अच्छा है, कितना प्यारा लुक है इस गाड़ी का। और सेफ्टी फीचर्स की तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि टाटा कंपनी है तो सेफ्टी फीचर्स के नाम से तो बहुत अच्छी जानी जा रही है। आप देख सकते हैं इसका, इस गाड़ी में उस गाड़ी में बहुत रात दिन का अंतर है। अब इसमें स्विफ्ट डिजायर है, उसकी जो लंबाई भी काफ़ी आती है, 378 है, लेकिन आप देखिए टाटा पंच में भी 366 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल रहा है। इसके बाद में एयरबैग की अगर बात करें तो चारों ही मॉडल में आपको दो एयरबैग मिल जाते हैं। इसके बाद में इंजन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें 1197 cc, यानी कि तीनों ही गाड़ियों में आपको 1200 cc का इंजन मिल जाता है। फोर सिलेंडर इंजन है स्विफ्ट के अंदर, और जो टाटा ही गाड़ी है उसमें 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है। इसके बाद में आप नीचे देख सकते हैं 1200 cc 1200 cc यही इंजन दिया गया है। चारों ही गाड़ी पेट्रोल के अंदर हैं, और जो इनका मैक्सिमम पावर की बात करें तो इनका वो भी लगभग सेम है। जो स्विफ्ट का है वो 89 bhp पे 6000 rpm है, और इसका 84 bhp 6000 rpm है। और जो इसका टॉर्क है वो स्विफ्ट का 113 4400 rpm, और जो टाटा का है वो 113 3300 rpm है। इसके बाद माइलेज की अगर बात करें तो माइलेज के मामले में आपको पहले बताता हूँ कि जो मारुति गाड़ियाँ हैं उनका माइलेज बहुत अच्छा है, बेशक उनका अच्छा ही है क्योंकि उनका इंजन भी इतना रिफाइंड बनाया गया है, और काफ़ी दिन से मारुति गाड़ियाँ चल रही हैं तो उनका एवरेज बहुत बढ़िया है, बेशक है वो और रहेगा ही, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है। अब देख सकते हैं आप स्विफ्ट का जो माइलेज है 23.2 का है, जबकि टाटा का 18.9 का है। अगर आप स्विफ्ट की गाड़ी अगर यूज कर रहे हैं तो जो कंपनी क्लेम कर रही है 23.2 का, लेकिन आपको आराम से 17-18 का एवरेज दे देगी, और जो टाटा की गाड़ी है लगभग आपको 14 से 15 का एवरेज देगी। इसके बाद में आप
ड्राइविंग रेंज है जो लगातार आप चला सकते हैं 858 किलोमीटर, यही वो रेंज दी गई है जो आपने एक बार टंकी फुल कराने के बाद में आप कितने किलोमीटर तक गाड़ी को चला सकते हैं। इसके बाद में ट्रांसमिशन में इसमें 5 स्पीड गियर है और एक बैक रिवर्स गियर दिया गया है। चारों गाड़ियां हैं वो BS6 मॉडल में है। अब इनकी लेंथ की बात कर लेते हैं तो स्विफ्ट की लेंथ है 3845 mm और जो डिजायर है उसकी है 3995 mm और जो पंच है उसकी 3827 mm है। अगर हम चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो लगभग 1735 और 1735 जो स्विफ्ट की है और इससे ज़्यादा चौड़ी है टाटा पंच, इसलिए इसका लुक इतना प्यारा लगता है। 1742 mm इसकी चौड़ाई है। अगर हम हाइट की बात कर लेते हैं तो स्विफ्ट की 1530 है और डिजायर की तो और थोड़ी कम है, जबकि टाटा की आप देख सकते हैं 1615 mm है, यानी कि बहुत बड़ी गाड़ी लगती है। और व्हील बेस है वो भी टाटा पंच का ही ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस आप देख लीजिए 163 है, यानी कि स्विफ्ट और डिजायर को आप कच्चे रास्ते में तो आप यूज कर ही नहीं पाओगे, वो जहाँ भी जाओगे। जो अब वाली जो नई वाली जो टाटा जो अभी स्विफ्ट की गाड़ी आई है वो तो उसका तो कहीं भी बम्पर लग जाता है आगे वाला बम्पर तुरंत टच हो जाता है, जबकि पंच का देख लीजिए 187 इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रहा है। इसके बाद में हम देख लेते हैं इसके जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर आप सेफ्टी फीचर्स में देख लीजिए जो पंक्चर किट है वो आपको मारुति के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन टाटा पंच में आपको टाटा ही गाड़ियाँ आपको दे देंगी। और स्पीड वार्निंग है वो चारों ही गाड़ियों में दिया गया है। और इसके बाद में आप रेटिंग देख लीजिए इसकी, तो आप रेटिंग देखेंगे तो मारुति की गाड़ी में देखिए 2 स्टार रेटिंग दी गई है, यानी कि आपको जान को तो रिस्क ही है, पूरी रिस्क है इसके अंदर। जबकि आप टाटा की गाड़ी के देखो पंच को देखो 5 स्टार रेटिंग दी गई है, तो आप इसी से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी तो दोबारा आ जाएगी लेकिन आपको अपना जीवन दोबारा नहीं मिल पाएगा। इसलिए सेफ्टी फीचर्स को हमेशा ध्यान में रखते हुए किसी गाड़ी को चूज करना है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि टाटा की गाड़ियाँ बेस्ट हैं, और शायद अगर आप हो सके तो टाटा की गाड़ियाँ ही लें। मैं ये नहीं बोलूँगी टाटा की ही ना लें, तो आप किसी भी गाड़ी को लें, लेकिन उसकी जो जो बिल्ड क्वालिटी है सेफ्टी फीचर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए लीजिए। एयरबैग है चारों गाड़ियों में, 2 एयरबैग आपको मिलते हैं और चाइल्ड लॉक है चारों मिलते हैं, सीट बेल्ट वार्निंग भी चारों मिलती है। इसके बाद में ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी इसमें, ये तो BS6 में सब पे लागू कर दिया, हर गाड़ी पे लागू है। अब लॉक की बात कर लेते हैं, लॉक एंड सिक्योरिटी की, जिसमें फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए स्विफ्ट के अंदर है इंजन इमोबिलाइजर है, वो चारों गाड़ी में आपको मिल जाता है। अब देखिए सेंट्रल लॉकिंग है, आपको स्विफ्ट में नहीं मिलेगा, बजट सेम है। इसके बाद में स्विफ्ट डिजायर में नहीं मिलेगा, बजट लगभग सेम है। अब टाटा पंच की जो बेस मॉडल है इसके अंदर आपको की मिल जाती है, विथ की मिल जाती है, लेकिन आपको रिमोट नहीं मिलता, लेकिन उसमें सेंट्रल लॉक है। अब जो टाटा का एडवेंचर मॉडल है उसके अंदर आपको रिमोट मिल जाता है। अब ये देखिए स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, यानी कि आपकी गाड़ी जैसे 20 की स्पीड क्रॉस करती है तो आपके चारों दरवाजे लॉक हो जाते हैं, तो वो फीचर्स आपको स्विफ्ट और इस डिजायर के अंदर LXI मॉडल यानी बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, जबकि टाटा की गाड़ी के अंदर आपको मिल रहा है, पंच के अंदर दोनों चीज़ें मिल रही हैं। 4 सेफ्टी लॉक है चारों के अंदर। इसके बाद में कम्फर्ट कॉन्वेंस की बात कर लेते हैं, तो चारों ही मॉडल्स में आपको AC हीटर मिल जाता है। इसके बाद में एंटी ग्लेयर मिरर है वो एडवेंचर में मिल जाता है आपको, और पार्किंग सेंसर है चारों गाड़ियों में आपको मिल जाता है, स्टेयरिंग एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, और जो चार्जिंग का है वो भी आपको मिल जाता है। स्टोरेज का ऑलरेडी मैंने पहले आपको बता दिया था। अब दरवाज़ों की बात कर लेते हैं, तो पावर विंडो है जो एडजस्टेबल, सबसे पहले ORBM की बात कर लेते हैं, तो जो स्विफ्ट है और डिजायर है दोनों में आपको एडजस्टेबल मिलेगा। उसके बाद टाटा की जो पंच का जो बेस मॉडल है उसमें भी एडजस्टेबल मिलेगा, लेकिन अगर आप एडवेंचर में जाते हैं तो आपको उसमें इलेक्ट्रिकली मिलेगा, यानी कि आपको अंदर से स्विच से आपको बाहर एडजस्ट कर सकते हैं। और जो टर्न इंडिकेटर है आप देखिए, जो ORBM के अंदर जो इंडिकेटर आता है वो आपको मारुति की स्विफ्ट और डिजायर के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको टाटा की दोनों ही गाड़ियों में आपको दोनों ही बेस मॉडल से आपको जो टर्न इंडिकेटर हैं जो कि ORBM के अंदर आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। और जो इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो स्विफ्ट और डिजायर में ब्लैक कलर के मिलेंगे आपको, यानी कि बॉडी कलर नहीं मिलेगा। और जो टाटा पंच का भी जो बेस मॉडल है उसमें ब्लैक मिलेगा, और एडवेंचर मॉडल है उसके अंदर आपको बॉडी कलर मिल जाता है।
तो ये फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, ब्लैक पेंटेड ब्लैक ब्लैक मिल जाता है। और जो पावर विंडो है वो आप देख सकते हैं, पावर विंडो की अगर बात करें तो आपको स्विफ्ट में और जो डिजायर है इसके अंदर आपको कोई पावर विंडो नहीं मिलती LXi मॉडल के अंदर, लेकिन आप टाटा की गाड़ी के अंदर देख सकते हैं, उसमें बेस मॉडल के अंदर आपको फ्रंट जो विंडो है वो आपको पावर मिलती हैं, और जो एडवेंचर उसमें दोनों ही फ्रंट एंड रियर आपको पावर विंडो मिल जाती हैं। इसके बाद में आप एक्सटीरियर में देख सकते हैं, रूफ माउंटेड एंटीना आपको डिजायर के अंदर मिल जाता है और स्विफ्ट के अंदर भी मिल जाता है। इसके बाद में जो टाटा की जो पंच का जो बेस मॉडल उसमें आपको नहीं मिलेगा, और जो एडवेंचर मॉडल उसमें आपको मिल जाता है। बम्पर है वो बॉडी कलर चारों ही गाड़ियों में मिल जाता है। बॉडी किट ये आपको स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर के अंदर नहीं मिलता है। इसके बाद में लाइटिंग की बात कर लेते हैं, तो ये देख सकते हैं आप जो हेडलाइट है वो हेलोजन मिलती है चारों ही गाड़ियों के अंदर, और जो हेडलैम्प है फॉलो मी होम हेडलैम्प है वो आपको खाली जो टाटा का एडवेंचर मॉडल है उसके अंदर मिलता है। टेल लाइट देख सकते हैं, एलईडी एलईडी मिलता है, और जो टाटा के उसमें हेलोजन मिलता है आपको। केबिन लैम्प है जो केबिन में जो लैंप आता है वो फ्रंट 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 यानी तीनों मॉडल में, और इसके अंदर आपको एडवेंचर में आपको नहीं मिलता है। हेडलाइट हाइट एडजस्टर ये आपको चारों ही गाड़ियों में ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में म्यूजिक सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो किस किस गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं, जो मारुति गाड़ियाँ हैं उनके दोनों ही मॉडल में आपको कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा। इसके बाद में आपका जो टाटा का जो बेस मॉडल है उसमें भी आपको किसी प्रकार का म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एडवेंचर के अंदर आपको डिजिटल डिस्प्ले चारों दरवाजे में आपको स्पीकर मिल जाएंगे, और उसमें जो भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है ऑक्स एप्पल वो सभी आपको कनेक्टिविटी इसके अंदर मिल जाएंगे, जो एप्पल कार प्ले है वो सब इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये सब फीचर्स थे जो कि इस कारण से मैंने टाटा पंच को बुक किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टाटा पंच में भी मैंने जो एडवेंचर मॉडल को ही बुक क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर भी जो मेरे बजट में थे वो तीन मॉडल आ रहे थे, तो मैं तीनों मॉडल की बात कर लेता हूँ इसके अंदर। तो इसमें जो टाटा की पंच है उसका जो बेस मॉडल वो 6,63,000 का है, और जो टाटा पंच का जो सेकंड जो मॉडल है वो 6,97,000 रुपये का है, जो प्योर रिदम करके आती है, और टाटा पंच का जो एडवेंचर MT है वो 7,46,000 रुपये का है। जो मेरा जो मन था सबसे पहले लेने का था वो टाटा पंच का प्योर रिदम लेने का था। इस गाड़ी के अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, लेकिन आपको रियर पावर विंडो नहीं मिलती है, और रिमोट कंट्रोल नहीं मिलता है, और जो ORBM है वो आपको इलेक्ट्रिक नहीं मिलते हैं। ये प्योर रिदम और एडवेंचर MT का फ़र्क है। लेकिन मैंने अभी आप ये बताइए कि जब मैं 6,97,000 रुपये लगा रहा हूँ टाटा पंच की इसके अंदर, तो मैं 30-40 हज़ार रुपये के लिए क्यों मरूंगा? अगर हम इतने पैसे लगा रहे हैं तो 30-40 हज़ार रुपये लगाने में क्या जा रहा है? अब फिर उसके बाद मैं अलग से बाहर मार्केट से लगाऊंगा कि मेरे को रिमोट लगवाना है, और उसके अंदर ORBM इलेक्ट्रिक कराऊंगा, पावर विंडो इलेक्ट्रिक कराऊंगा, तो बाहर वाले जो होते हैं वो ऐसे ऐसे दरवाजों को ख़राब कर देंगे उसमें, जहां उनको सटीक से नहीं पावर विंडो लगानी है, पावर विंडो के जो खांचे आते हैं वो उनको सटीक से नहीं लगे, वहीं पर वो क्या करेंगे उसमें स्क्रू से छेद निकाल देंगे और वहीं कस देंगे, तो यानी कि दरवाजों की स्थिति कर देंगे बाहर जो दुकान से अगर हम फिट करवाते हैं, क्योंकि उनको क्या मतलब किसकी गाड़ी ख़राब हो रही है, उनको तो वो अपना सामान लगाना सटीक से चिपका देंगे उनको। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको सभी फीचर्स चाहिए तो आप टाटा पंच के एडवेंचर MT मॉडल ले लीजिए, उसमें से आपको सब फीचर मिल जाएंगे। और इन तीनों मॉडल का मैं आपको कंपेयर करके भी दिखा देता हूँ इनमें क्या क्या अंतर है। तो तीनों ही मॉडल में जो इंजन है वो सब सेम है, वो तीनों ही पेट्रोल में है। जो मेन फीचर्स का अंतर है वो आपको मैं बता देता हूँ, मैं इसमें दिखाता हूँ। जो सेफ्टी फीचर्स में अगर आते हैं तो वो भी लगभग सेम है, इसके अंदर कोई अंतर नहीं है। और ये है देखिए, जो ये जो सबसे पहले सेंट्रल लॉकिंग, जो दो मॉडल हैं जो इसका टाटा पंच का, जो सबसे पहले प्योर है और एक है रिदम है, उसके अंदर क्या आपको विथ की मिलता है, यानी कि सेंट्रल लॉक आता है लेकिन आपको उसमें रिमोट नहीं मिलेगा, ये अंतर है। एडवेंचर में आपको रिमोट मिल जाएगा। इसके बाद में जो इसके जो को ड्राइवर में जो आपको मिरर मिल जाता है वो कोई इतना कोई बड़ा खास अंतर नहीं है, इतना हम यूज़ भी नहीं करते हैं उसको। एंटी ग्लेयर मिरर है ये भी हम इतना कोई यूज़ नहीं करते हैं।
इसके बाद में और मैं आपको बताता हूँ, अब दरवाज़ों का बताता हूँ कि इसके जो दरवाज़ों के जो हैंडल होते हैं आउटसाइड जो बाहर वाले वो RBM और हैंडल हैं, वो आपको बॉडी कलर नहीं मिलेंगे इसमें जो बेस मॉडल में और रिदम के अंदर, लेकिन आपको एडवेंचर में बॉडी कलर मिल जाएंगे। और जो विंडो है पावर विंडो आपको एडवेंचर में रियर और फ्रंट दोनों मिल जाएगी, और इन दोनों मॉडल में आपको फ्रंट ही पावर विंडो मिलेंगी। इसके बाद में आप नीचे देख सकते हैं ORBM है वो एडवेंचर मॉडल है, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएंगे, यानी कि आपको डोर के अंदर ही उसका बटन स्विच लगा हुआ वहीं अंदर से आप बैठे बैठे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में एक्सटेरियर और डोर हैंडल है वो अभी आपको बॉडी कलर इन दोनों मॉडल में नहीं मिलेगा, जबकि आपको एडवेंचर के अंदर आपको बॉडी कलर मिल जाएगा। तो यही सब अंतर हैं। और जो लास्ट अंतर है वो मैं आपको म्यूजिक सिस्टम का बता देता हूँ। तो जो म्यूजिक सिस्टम है आपको रिदम के अंदर जाएंगे, रिदम का और एडवेंचर का जो म्यूजिक सिस्टम है वो सेम है, कोई अंतर नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल सेम है। जबकि आपको जो उसका बेस मॉडल है पंच का उसमें आपको किसी प्रकार का म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता। तो यही सब अंतर हैं और इन्हीं कारणों से मैंने एडवेंचर को ही बुक किया। एडवेंचर का बुक करने का मेरा यही था मेन मकसद, क्योंकि मैं टाटा पंच की प्योर रिदम को ही बुक कर सकता था, लेकिन टाटा पंच की रिदम के अंदर है वो पावर विंडो नहीं मिल रही थी मेरे को, प्लस रिमोट नहीं मिल रहा था। अगर मैं बाहर से भी बात किया था तो उन्होंने मेरे को बताया था कि सर हम रिमोट लगा देंगे, लगभग 5 से 6 हज़ार का खर्चा आएगा। तो मेरे को 6 हज़ार पे उन्होंने अलग से बता दिए। फिर मैं बोला पावर विंडो भी लगवानी है, तो उन्होंने पावर विंडो पर मेरे को 15-16 हज़ार रुपये बता दिए, बोला कि 1500 में आप कर इतने पैसे लगेंगे और इतने पैसे में इंस्टॉल कर दें, तो लगभग 20-22 हज़ार रुपये तो यहीं हो गए। तो फिर क्या मतलब है जब इतने लग रहे हैं, और ऊपर से फिर टाटा वाले बोलेंगे कि इसकी तो आपने बाहर से इलेक्ट्रिक जो फिटिंग करवाई है कोई वायर शॉर्ट हो गया या कुछ और मिस्टेक इलेक्ट्रिकली प्रॉब्लम आ गई, तो बोले आपने बाहर से छेड़छाड़ करवाई है, हम तो इसकी वारंटी गारंटी नहीं देंगे, ये भी समस्या। तो इससे अच्छा है कि आप अंदर से एक अप मॉडल ले लीजिए, ताकि आपकी हर समस्या जो है वो सभी ख़त्म ही हो जाए, और आपकी एक गाड़ी भी आ जाए, और जो आपको फीचर्स की ज़रूरत है वो सब फीचर्स उसके अंदर हो। तो इन्हीं सब कारणों से मैंने टाटा पंच की एडवेंचर MT गाड़ी को ही बुक किया। तो आप भी, मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर गाड़ी लेनी है और अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि आप 20-30 हज़ार रुपये की तरफ ना देखें, और जिसके अंदर आपको सभी फीचर्स मिल जाएँ वही गाड़ी लें, बाहर से ज़्यादा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बाहर जो दुकान वाले लगाते हैं वो अपने तरीके से ऐसे ही सेटल करके देते हैं आपको, फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी तो आप फेस करते रहेंगे, और वारंटी भी लैप्स होती है उसके अंदर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।